चाबी हो चुकी है गुम और अब देखती हूँ क्या जुगाड़ लगता है। ओह शिट। Another vlog. Welcome to channel Vlog Panti and this is episode 4 of Vlog Panti. Lockdown हो गया है but major चीज़ हो गई है, कोको का खाना हो गया है ख़त्म और वो खाता नहीं है पेडिग्री, मुझे लानी पड़ेगी उसकी ग्रेवी। सो बाहर निकलना पड़ेगा, सोचा आप लोगों को भी साथ ले चलती हूँ, थोड़ा बाहर जम्मू का दर्शन करवाते हैं। सो लेट्स गो। कोको रूठ चुका है, मुझे लग रहा है ये रूठ चुका है और इसको लगी है भूख, इसके लिए भाई खाना तो लाना पड़ेगा। सो चलो चलते हैं। कोको 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 रूठा हो गया कोको, भूख लगी है। चाबी हो चुकी है गुम सो ढूंढना पड़ेगा। Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds. So, आ गए हैं हम घर से बाहर। यार ये जो मोमोज वाले अंकल आपको दिख रहे हैं ना पीछे, इनके मोमोज बहुत टेस्टी होते हैं। सो ये वाला जो एरिया है ये फोर्थ ब्रिज का चौक है और यहाँ से आप स्ट्रेट जाओगे तो आपको आगे जाके ना दो मोड़ दिखेंगे। एक वाला रास्ता मुझे पता नहीं आएगा, सतवारी वाली साइड जाता है वो, और दूसरे वाला जो रास्ता है वो जाता है एशिया की तरफ। एशिया होटल है एक्चुअली, बट उस जगह का नाम ही इन्होंने ना ऐसे एशिया मोड़ रख दिया है, तो वहाँ पर ही जाएंगे। एक्चुअली मैंने सोचा चलते चलते आप लोगों को स्टोरी से सुना दूँ, नहीं तो आप लोगों के लिए भी ये जर्नी बोरिंग हो जाएगी। वैसे मैंने ट्रांजिशंस तो बहुत डाल दिए हैं इस वीडियो में, बट पता नहीं आप लोगों को पसंद आएंगे या नहीं। सो चलो मैं आप लोगों को कोको की स्टोरी सुनाती हूँ। तो कोको का जो बर्थ डेट है वो 28 सितंबर है। सो ही वॉज बॉर्न ऑन 28 सितंबर 2019 और ये 20 डेज ओल्ड था जब हम लोगों ने इसे अपने घर लाया। और जब इसे मैंने घर लाया ना, ही वॉज सो स्मॉल, मतलब मेरे हाथ पे फिट आ जाता था, इतना सा था ये। और फिर टाइम के साथ इतना बड़ा हो गया जितने आप देख रहे हैं। तो यार लॉकडाउन के चक्कर में ना, मतलब हम लोग खाना तो वैसे ले आते हैं इसका, बट लॉकडाउन के चक्कर में ये चीज़ हो गई कि ऑल ऑफ अ सडन एक दिन हमें ऑर्डर आया गवर्नमेंट का कि हाँ जी जो आपका एरिया है वो कंटेनमेंट हो गया है। तो उसके बाद हम लोग बाहर भी नहीं निकले ज़्यादा, बट अब यही हुआ कि इसका खाना जो था वो ख़त्म हो गया। तो अब हमारे वाला जो एरिया है वहाँ पर तो सब बंद है, तो मुझे आना पड़ा गांधीनगर वाली साइड। तो हम लोग पहुंच चुके हैं गांधीनगर वाले एरिया में और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एरिया ना वो थोड़ा मतलब रिस्ट्रिक्शंस इतनी ज़्यादा नहीं है, दुकानें वुकानें भी खुली हुई हैं। सो या सो चलते चलते हम लोग पहुंच चुके हैं मोनिका सुपर मार्केट विच इज़ लोकेटेड इन गांधीनगर। तो यहाँ से ही हम लोग गए थे उसकी पेडिग्री की ग्रेवी लेने के लिए, बट वहाँ मिली नहीं तो हमें जो दूसरी वाली शॉप में जाना पड़ा। अब हम लोग जा रहे हैं वापस हेडिंग बैक टू होम ताकि टाइम वेस्ट यहाँ वहाँ ना हो। वैसे भी पैंडमिक सिचुएशन है तो ज़्यादा यहाँ वहाँ घूमना बेटर है भी नहीं। सो लेट्स गो बैक। साथ में आप भी वीडियो देखते देखते नीचे कमेंट भी कर दो कैसा लगा आप लोगों को मेरा वीडियो, अगर अच्छा लगा बुरा लगा जैसा भी लगा प्लीज़ बता दो, मुझे भी अच्छा लगेगा सुनकर देखकर कमेंट्स आप लोगों के वहाँ पे। गाइस अब थोड़ा सा ही रास्ता बचा है तो आप लोगों से घर जाकर ही बातें करते हैं। चलिए
जो पूरा 30 दिन का स्टॉक है वो इकट्ठे ला के रख दिया ताकि बाहर ना जाना पड़े, बिकॉज फॉर द सेम रीज़न ऑब्वियसली. सो गाइस, हेडेड बैक टू होम. इट वाज रियली हेक्टिक बिकॉज दूर जाना था यार, और बहुत टाइम के बाद मैं घर से बाहर निकली हूँ. सो या खाना मिल गया उसका शुक्र, थैंक गॉड. अंडे भी लाए हैं बहुत सारे ताकि बार बार घर से बाहर ना निकलना पड़े. सो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये व्लॉग? होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस, एंड आई विल बी सीइंग यू सून विद अनदर व्लॉग ऑफ माइंड. टिल देन बाय बाय. आराम से घर बैठो, चिल करो अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें. बाय बाय.